छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए बुंदेली न्यूज़ चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करें। बुंदेली न्यूज़ चैनल को नगर के हर गली मोहल्ले से रिपोर्टर और संवाददाताओं की आवश्यकता है। संपर्क करने के लिए बुंदेली न्यूज़ पोर्टल पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। वर्तमान स्थिति में राजयोग, ध्यान और आध्यात्मिक ज्ञान का अनुसरण ही जीवन को शांत चित्त बनाता है और स्थिर मन ही सफल जीवन का निर्माण करता है। पूर्व मंत्री श्री मानवेंद्र सिंह जी हरपालपुर ब्रह्म कुमारी द्वारा होली मिलन और शिव ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। आए हुए अतिथियों का तिलक और पुष्प माला के द्वारा ब्रह्म कुमारी बहनों ने स्वागत किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए पूर्व मंत्री सम्मानित श्री मानवेंद्र सिंह जी, पद्मश्री से सम्मानित श्री अवध किशोर जदिया जी, हरपालपुर RSS शाखा प्रमुख श्री महेंद्र पाल सिंह जी, नगर परिषद अध्यक्ष श्री अमित अग्रवाल जी, नगर के पत्रकार भाई, साथ ही नौगांव से ब्रह्मा कुमारी नंदा बहन जी और नगर के वरिष्ठ जन हुए उपस्थित। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री सम्मानीय श्री मानवेंद्र सिंह जी ने अपने विचार रखते हुए कहा कि आज वर्तमान स्थिति में राजयोग, ध्यान हम सबको आवश्यक है। आध्यात्मिक ज्ञान का अनुसरण जीवन को शांत चित्त बनाता है और स्थिर मन ही सफल जीवन बना सकता है। ब्रह्म कुमारी नंदा बहन जी ने अपना उद्बोधन देते हुए कहा, आज मनुष्य के पास साधनों की प्रसन्नता है, रिश्तों की प्रसन्नता। ठीक, ब्रह्म कुमारी नंदा बहन जी ने अपना उद्बोधन देते हुए कहा, आज मनुष्य के पास साधनों की संपन्नता है, रिश्तों की संपन्नता है, धन की संपन्नता है, शिक्षा की संपन्नता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति खालीपन महसूस कर रहा है, क्योंकि आज हम उस परम सत्ता परमात्मा से दूर हो गए हैं। हमें आवश्यकता है कि हम सर्वशक्तिमान से जुड़े और जीवन में शक्तियों को अपनाएं, तभी जीवन के हर फील्ड में सफल होते जाएंगे। तत्पश्चात शिव ध्वजारोहण किया गया और होली मिलन का सभी को तिलक लगाया गया, सभी को प्रसाद वितरण किया गया, कार्यक्रम संपन्न हुआ। जो हो चुका आज के पहले उसका चिंतन मत कीजिए, उसकी चिंता मत कीजिए, आगे की सुनिए, आगे मुझे क्या करना है, और जो परीक्षा जो समस्या मेरे जीवन में आई है उससे मुझे शिक्षा ली, क्योंकि जो भी समस्या आती है वो आपको पावरफुल बनाने आती है, वो आपको शिक्षा देने आती है, वो आपको संदेश देने आती है, लेकिन आप फिर कहाँ हो जाते हैं कि समस्या आ गई, परिस्थिति आ गई, परेशानियां बहुत बढ़ती जा रही है। तो जब गुण लेते जाएंगे तो हर एक के प्रति हमारी गुण ग्राही दृष्टि होगी और हम आप सब गुणवान बन जाएंगे। तो हर एक में कोई ना कोई कला है और हम उस कला अगर हम अपने पास ही सीमित रखते हैं और हम चले जाएंगे, हमारे साथ में वो हमारी कला भी चली जाए। तो जरूरत है कि हम अपनी विशेषताएं, अपनी कलाएं, अपनी विरासत के रूप में अपने आने वाली पीढ़ी को हम ये दे करके जाए, चाहे वो गीत हो, चाहे कविताएं।